So welcome to lecture number 8 of power electronics. In this video we will discuss the cycloconverter. So cycloconverter ka matlab hamare paas ye hota hai ki hum input AC jisme hamare paas hogi aur isko hum AC mein hi convert karenge, lekin isme jo fark hoga wo ye hoga ki isme hamare paas jo output pe AC aayegi uski jo voltage hogi wo input se different hogi. ठीक है. सो डिफरेंट का मतलब ये है कि उसका जो वोल्टेज या फिर जो करंट का जो लेवल है वो या अदर वो इंक्रीज़ होगा या फिर वो डिक्रीज़ किया हुआ होगा. इसी तरह हम इसमें इसकी जो फ्रीक्वेंसी है इसको भी हम चेंज करते हैं. सो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं. सो एसी हमारे पास इनपुट होगी और आउटपुट में हमारे पास एसी ही होगी. सो द एसी टू एसी कन्वर्टर मे बी यूज टू चेंज द लेवल एंड और फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एसी सिग्नल. सो हमारे पास ये जो साइक्लो कन्वर्टर होता है ये क्या करता है कि एसी वोल्टेज का या फिर वो लेवल चेंज करता है या फिर उसकी वो फ्रीक्वेंसी चेंज कर देता है. एग्जांपल्स इंक्लूड अ कॉमन लाइट डिमर सर्किट एंड स्पीड कंट्रोल ऑफ एन इंडिकेटर कंट्रोल ऑफ एन इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग ऑफ सिंक्रोनस मोटर. सो इसमें हम क्या करते हैं कि एक सबसे पहले हम एसी सोर्स लेते हैं जो कि हमारे पास इनपुट होगी. अब जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि जब आपके पास डायरेक्ट डीसी टू डीसी करनी हो या फिर डायरेक्ट एसी टू एसी करनी हो ये पॉसिबल नहीं है. आपको यहाँ पर पहले इसको डीसी में कन्वर्ट करना होगा. जब आपके पास वो डीसी में आ जाएगी तो फिर आप उसको दोबारा एसी में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो यहाँ पे भी हमने वही काम किया कि सबसे पहले हमने इसके एक साइकिल को हमने क्या किया, इसको डीसी में कन्वर्ट किया. सो इसके इस साइकिल को हमने जब डीसी में कन्वर्ट कर दिया तो इसका ये वाला पोर्शन कुछ ऐसे आ गया. ठीक है. उसके बाद जो नेगेटिव पोर्शन था उसको भी हमने कन्वर्ट कर दिया. सो हो क्या रहा है कि यहाँ पर हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी है वो चेंज हो रही है, फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ कर रहे हैं हम. सो जैसा कि हमने यहाँ पे कहा था कि हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को हम चेंज करते हैं. सो जो भी हमारे पास साइक्लो कन्वर्टर होगा इसमें हमारे पास इनपुट क्या होगी, एसी होगी और इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो वो जो इसकी आउटपुट होगी वो भी इसकी एसी आउटपुट ही होगी. सो इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो क्या हैं, स्पीड कंट्रोल ऑफ एन इंडक्शन मोटर या फिर स्टार्टिंग ऑफ सिंक्रोनस मोटर. सो सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक साइक्लो कन्वर्टर चाहिए जो कि हमारे पास एसी इनपुट को कन्वर्ट करके एसी हमें आउटपुट दे देगा.